हाय एवरीवन वेलकम टू कलाम जीएस एस सेंटर तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अबाउट नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2022 केमिस्ट्री में 2022 का नोबेल पुरस्कार तीन साइंटिस्ट को दिया गया है जिनके काम ने मॉलिकुलर इंट्रैक्शन की पावर का इस्तेमाल किया और नेचुरल वर्ल्ड का स्टडी करने के एक नए एंड ऑब्सक्यूसिव तरीके पेश किए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैरोन आर यूनिवर्सिटी ऑफ के मॉर्टन मेल्डल और स्क्रिप्स रिसर्च के, के बेरी शार्पलेस नोबेल प्राइज शेयर करेंगे जो साइंटिस्ट के इंडिपेंडेंट रिसर्च का सम्मान करता है डेट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वाट इज़ नोन एज क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो आर्थोगनल केमिस्ट्री उससे पहले कि हम जाने क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो आर्थोगनल केमिस्ट्री क्या है पहले हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो कि डायरेक्टली इन तीनों नोबेल प्राइज़ एवॉर्डी से रिलेटेड है के बेरी शार्पलेस कॉइन द टर्म क्लिक केमिस्ट्री और इस पर बड़े पैमाने पर काम किया आपके जीके अवेयरनेस के लिए बता दूं के बेरी शार्पलेस शेयर द 2001 थाउजेंड वन नोबेल प्राइज़ विथ विलियम एस नॉलेस एंड नोयोडी रियोजी फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट चिरल कैटलिस्ट यानी 2022 में उन्हें दूसरी बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया मॉर्टिन मेल्डल इंडिपेंडेंटली ट्राइजोल नामक एक स्पेशल केमिकल स्ट्रक्चर बनाने में अपना योगदान दिया जिसमें कई सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस हैं कैरोीन और बर्तोजी ने क्लिक रिएक्शंस को विकसित करने का अलग कदम उठाया जो जीवित जीवों के अंदर काम कर सकती है जिससे बायो बायोऑर्थोगल रिएक्शंस कहा गया और इस शब्द का कॉइन भी बर्तोजी द्वारा किया गया अब हम जानते हैं अबाउट क्लिक केमिस्ट्री यानी क्लिक केमिस्ट्री क्या है क्लिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री के एक मिनिमलिस्टिक फॉर्म है जिसमें मॉलिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स एक साथ जल्दी और इफ़िशेंटली स्नैप कर सकते हैं ये सिंपल और रिलायबल केमिस्ट्री का एक रूप है जहाँ रिएक्शंस जल्दी होती है और अनवॉन्टेड बायप्रोडक्ट से बचा जाता है क्लिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट वर्ष 2000 के आसपास बेरी शार्पलेस द्वारा कॉइन किया गया था जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था एंड ही फाउंड डेट इंस्टीट ऑफ फोर्सिंग कार्बन एटम्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू बॉन्ड विद ईच अदर इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स इट इज ईजियर टू लिंक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विथ कंप्लीट कार्बन फ्रेमवर्क तो अब हम जानते हैं अबाउट बायो ऑर्थगनल रिएक्शंस क्या है ये रिएक्शंस जी वी जीवों के अंदर सेल के नॉर्मल केमिस्ट्री को डिस्टर्ब किए बिना काम करती है नैनो टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन में इसके उपयोग से बायोमेडिसिन के डाइवर्स एरियाज़ में फर्दर डेवलपमेंट्स हो सकता है जैसे कि मॉलिक्यूलर बायो इमेजिंग टारगेटेड डिलीवरी इन सीटू ड्रग एक्टिवेशन स्टडी ऑफ सेल नैनो मेटेरियल इंट्रैक्शनस बायोसेंसिंग एक्सेट्रा बायो ऑर्थोगनर रिएक्शंस का यूज़ करके रिसर्चर्स ने कैंसर फार्मास्यूटिकल्स के ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट किया है आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा होगा इफ यू रियली लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स स्टे हंग्री स्टे फुलिश जय हिंद